बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं ज़ैन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक ड्राइंग क्रिएट की है। अगर आप देखें तो यहाँ पर डिफरेंट शेप्स को हमने यूज़ करते हुए एक प्रॉपर ड्राइंग शेप बनाई है एक पार्ट की, और उसके साथ हमने डिफरेंट सिंबल्स भी यूज़ किए हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये डाई का सिंबल है, इसी तरह यहाँ पर ये इंच लिखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट सिंबल्स हैं, ये एरो है, ये एरो जो है ये एक शेप है। तो हम ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करते हुए ये ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि दो चीज़ें हम इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम ये समझेंगे कि शेप कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा हम ये समझेंगे कि ये जो सिम्बल हैं, यहाँ पर हमें सिम्बल्स जो शो हो रहे हैं, इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी तक आपको जो मेथड पता होगा इसका, वो ये होगा कि आप इंसर्ट में जाएँ, यहाँ से सिंबल पर क्लिक करें और सिंबल्स में से इसको ढूंढें सिंबल को, और फिर यहाँ पर इंसर्ट करवा लें। लेकिन हम आपके लिए एक बहुत ही एडवांस और फास्ट मेथड बताएंगे आपको, जिसको यूज़ करते हुए आप तेज़ी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ अपने ये जो सिंबल्स हैं इनको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करवा सकते हैं। एक शॉर्ट सा कोड है, तो इसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले हम शेप क्रिएट करना सीख लेते हैं। इसके लिए आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है ये इलस्ट्रेशन के ऑप्शन पर। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है शेप्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप्स पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट शेप्स यहाँ पे हमें शो होंगी। तो मैं इसमें से ये रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रेक्टेंगल शेप को क्रिएट कर लेता हूँ। हम ये वाला जो पार्ट का एक पार्ट है इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये जो मैंने शेप क्रिएट की है, मैं चाहता हूँ कि इंटरनल जो इसकी है कलर है वो नो फिल हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको आप वाइट फिल कर लें या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको नो फिल कर लें। एक ही बात है, क्योंकि बैकग्राउंड जो है इसका वो वाइट है। अगर हम इसको नो फिल करेंगे तो बैकग्राउंड वाइट शो होगा और हमें जो इंटरनली है ये ऐसे लगेगा जैसे ये वाइट कलर की है। तो इसके बाद मैं इसकी जो बॉर्डर लाइन है इसको ब्लैक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे मैं शेप पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट का जो टैब है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें शो हो जाता है। तो यहाँ से मैं शेप आउटलाइन को करूँगा ब्लैक, और ये देखें ये हमारे पास शेप क्रिएट हो गई है। इसी तरह आप इसकी कॉपियाँ क्रिएट कर सकते हैं। आपने कंट्रोल की प्रेस करके रखनी है कीबोर्ड से, इस शेप को आपने सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके एक दूसरी जगह पर इसको छोड़ देना है। तो ये देखें ये शेप जो है ये क्रिएट हो गई है। इसको मैं यहाँ से अब साइज़ में थोड़ा सा कम करता हूँ और इसको साइज़ थोड़ा सा बढ़ाता हूँ इसका। यहाँ से इसको मैं पकड़ूँगा और यहाँ पर इंसर्ट करवा दूँगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने जो शेप क्रिएट की है उसमें बैकग्राउंड पर जो पार्ट का हिस्सा है उसकी ये जो लाइनें हैं नज़र नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, अपनी इस शेप को पकड़ेंगे, इसको हमने नो फिल किया है इसका बैकग्राउंड, इसलिए हमें बैकग्राउंड से जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो नज़र आ रहा है। हम इसका जो इंटरनल कलर है वो हम वाइट कर देंगे। तो देखिए जैसे मैंने इसका इंटरनल कलर वाइट किया तो हमारे पास जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो गया। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर नो फिल कर देता हूँ, और इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसी शेप को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर इसका कलर जो है वाइट करें, इसको साइज में छोटा कर लें और जो लाइन शो हो रही है उसके ऊपर इसको रख लें, और इसकी जो बॉर्डर लाइन है उसको भी वाइट कर लें। तो आप देखें जितनी जगह पर वो हमारी शेप है वहाँ से हमें लाइंस जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह आप जहाँ से भी चाहें जो भी लाइंस जो हैं आप शो नहीं करवाना चाह रहे उनको इस तरह हाइड कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था ये शेप को क्रिएट करने के बारे में था कि किस तरह हम शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा सिंबल्स की तरफ। तो यहाँ पर ये देखें डिफरेंट सिंबल्स हैं, हम ये देखेंगे कि अब सिंबल्स को क्रिएट करने का कौन सा मेथड है। तो हम इंसर्ट में जाके सिंबल्स में तो नहीं जाएंगे, बल्कि एक शॉर्ट सा कोड है इसका वो सीखेंगे। मैं यहाँ पर इस सारी की सारी रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर कर देता हूँ, यहाँ से मैं फाउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर मुझे डिफरेंट कोड्स शो हो गए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने कोई भी इसमें जो भी सिंबल इंसर्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिग्री का सिंबल इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है किसी भी एक सेल को जहाँ पर भी आपने ये डिग्री का सिंबल इंसर्ट करवाना है। कीबोर्ड से आपने आल्ट की प्रेस करके रखनी है। उसके बाद आपके पास जो कीबोर्ड होता है उसके साइड में जो न्यूमेरिक कीज़ वाला पैड होता है वहाँ से आपने 0176 प्रेस करना है। जैसे ही आप 0176 प्रेस करके छोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पर
जो आपका ये जो डिग्री का साइन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अभी मेरे पास जो लैपटॉप है मैं इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो लैपटॉप पे चूंकि न्यूमेरिक पैड नहीं होता तो इसलिए इस पर ये वर्किंग नहीं करेगा। आपके पास जो कीबोर्ड होगा जो कि आपके पीसी के साथ अटैच होगा, उसके साथ में आपके पास न्यूमेरिक कीपैड होगा। आपने आल्ट की प्रेस करके रखनी है, इसको होल्ड करना है, उसके बाद आपने कीबोर्ड से 0176 प्रेस करना है, उसके बाद आपने जो आल की प्रेस की होगी इसको आपने छोड़ देना है। तो इसके साथ ही जैसे आप आल की को छोड़ेंगे तो आपके पास डिग्री का जो साइन है, जो डिग्री का सिंबल है, वो शो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी कि कैसे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हुए और डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करते हुए इंजीनियरिंग की ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।